बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के दौरे पर हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अपने दौरे के दूसरे दिन आज यानी कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा शेख हसीना की पीएम मोदी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इनसे जुड़े समझौतों पर भी आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के साथ आज अहम समझौते हो सकते हैं क्योंकि शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। दूसरा दिन है उनके दौरे का और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और संभव है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो और कई समझौते हों। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी दी, उन्हें चेतावनी दी गई कि मूसेवाला केस में वो अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो उनका हाल बेटे से भी बुरा होगा, यानी उन्हें भी लॉरेंस गैंग अपने रास्ते से हटा देगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने इस बात का डर जताया कि लॉरेंस गैंग के लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने दावा किया कि उनकी कोशिशों से ही हत्याकांड को अंजाम देने वाले कई शूटर जेल के अंदर हैं, जबकि पुलिस ने मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इसी बात से नाराज लॉरेंस गैंग उनकी भी हत्या करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता की शिकायत मिलने के बाद पंजाब पुलिस के आईटी विंग और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी जुलाई में उन्होंने अपनी जान पर खतरा बताते हुए पंजाब पुलिस से शिकायत की थी और उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बताया था कि उन्हें पाकिस्तान के नंबरों से कई बार धमकी भरे मैसेज और कॉल आए थे। मूसेवाला के पिता के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया था और इस बार भी उन्होंने लॉरेंस गैंग पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया गया कि पुलिस में लॉरेंस गैंग की शिकायत करने के बाद मूसेवाला के पिता अपनी पत्नी के साथ विदेश चले गए। इस बीच पंजाब पुलिस ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग के दुश्मन बम्बीहा गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से। पंजाब पुलिस के मुताबिक ISI की शरण में बैठे खालिस्तान समर्थक बम्बीहा गैंग को मजबूत करने में जुटे हैं और उसकी मदद से वो न केवल पंजाब में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अपने पैर पसार रहे हैं। पंजाब पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बम्बीहा गैंग की मदद के बहाने ISI अपने मंसूबे पूरे करने में लगी है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग से बदला लेने के लिए बौखलाया बम्बीहा गैंग उसके हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने बम्बीहा गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए नया तरीका भी निकाला है और वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोकल गैंगस्टरों को बम्बीहा गैंग से जोड़ रहा है ताकि पंजाब के साथ साथ दूसरे शहरों में भी वो पैठ बना सके। और पंजाब पुलिस के मुताबिक ISI से बम्बीहा गैंग को जोड़ने में पाकिस्तान में बैठा लखवीर रोड़े मदद कर रहा है। लखवीर रोड़े को पंजाब में हुई कई आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जाता है और अब वो बम्बीहा गैंग की मदद के नाम पर ISI को फायदा पहुंचा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बैठा अर्श डल्ला नाम का एक गैंगस्टर भी लखवीर रोड़े से जुड़ा है और वो बम्बीहा गैंग को हथियार और पैसे देता है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले ही अर्श डल्ला के तीन गुर्गे दीपक, संदीप और सोनू डागर दिल्ली में आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इनमें सोनू डागर बम्बीहा गैंग का खास गैंगस्टर बताया जाता है। इसके साथ ही बम्बीहा गैंग ने अपने एक साथी को भगाने के लिए 29 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी की थी। पुलिस ने इस घटना में जिन दो बदमाशों की पहचान की उनमें एक का नाम चस्का है।